हेलो गाइस। तो यार आप सभी की रिक्वेस्ट के बाद फाइनली हम बनाते हैं आज राजस्थान विश्वविद्यालय, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए मैं अपना फॉर्म फिल कर देता हूँ गाइस। ओके, इसके साथ ही अगर आपने हमारी एक्सपर्ट काउंसलिंग प्लान सीओटी का नहीं लिया है तो उसके जो फॉर्म है वो गूगल फॉर्म नीचे दिया गया है, आप जो है वो जरूर ले सकते हैं और अपने एडमिशन की श्योरिटी जान सकते हैं कि आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा और आखिरकार कब होगा आपका एडमिशन। ओके, तो चलो मैं फॉर्म को फिल करता हूँ। अभी मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। ओके, सबमिट। ओके, सो मेरे को देखो ये मिल चुका है, मेरा लॉगिन आईडी पासवर्ड। मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ, मैंने प्रिंट कर लिया। नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, फिर से पूरी डिटेल मांग रहा हूँ उससे। मैं थोड़ा फिल कर लेता हूँ, बाद में आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ऐसे देख सकते हो, पहले आपको अपना नाम तो यहाँ पर रहेगा, अपने डैडी का नाम डालना है, देन मम्मा का नेम डालना है, आधार कार्ड। आधार कार्ड के बाद आप जब नीचे पढ़ोगे आगे, देन आपको देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे आपको अपना जेंडर डालना है, साथ में मैरिटल स्टेटस डालना है। देखो आई एम अनमेरिड, आई एम सिंगल, ठीक है। ध्यान से सुनो सभी लोग, इस ऑप्शन को ध्यान से देखो, ठीक है। आई एम अनमेरिड, ओके। उसके बाद देखेंगे सारे बच्चे कैटेगरी ओबीसी एनसीए, देन मतलब जो भी आपकी कैटेगरी हो, साथ में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए अप्रैल के बाद का, तो वो कैटेगरी आप वहां से लगा सकते हो। जिन भी बच्चों के जनरल है वो अनरिजर्व यूआर लगाएंगे। ओके, डेट ऑफ बर्थ आप लोग डाल देंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इसके बाद आप अपना एड्रेस डालेंगे, उसके बाद आप जो है सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। साथ में यार आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप सभी लोग जो है ये जब ठीक से फिल करें अपने एप्लीकेशन फॉर्म को, और जिन भी लोगों ने हमारा सब्सक्रिप्शन प्लान लिया नहीं है, जिनको पता नहीं कि भैया एडमिशन कैसे होता है, क्या सारा सिस्टम होता है, वो जो है हमारा सब्सक्रिप्शन प्लान जरूर से ज्वाइन कर लेगा इस, ठीक है। ओके, सो जस्ट आपको क्या करना है, अपने टेंथ की डिटेल यहाँ पे डाल देनी है, जैसे मैं टेंथ क्लास की डाल दी है। उसके बाद आपको अपने ट्वेल्थ की डालनी है, जैसे मेरी साइंस स्ट्रीम है, आप अपनी स्ट्रीम चूज कर सकते हैं, अपना बोर्ड लगाएंगे। उसके बाद अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है तो यहाँ से दीजिए जो सीए टिक दे रखा है। उसके बाद आपने कोई अदर अगर कोर्स कर रखा है, डिप्लोमा वगैरह, तो आप वहाँ पे डाल सकते हैं, वरना इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। उसके बाद जो है आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद गाइस ये जो आपको सीयूईटी की डिटेल मांग रहे हैं, तो आपको जो अपनी सीयूईटी की डिटेल डालनी है यहाँ पे, साथ में आपने कौन कौन सा टेस्ट दिया है। अगर आपने अगर ये टेस्ट दिए हैं सारे, तो जो है आप इनका स्कोर भी डाल सकते हैं साथ में इनका, ठीक है। जैसे अगर आपने नहीं दिया है तो यहाँ पे नोट अप्लीकेबल पे क्लिक कर सकते हैं, अगर आपने दिया है तो आप लोग जो है जरूर डालें। ओके यार, जिन भी बच्चों का ऐसा है कि भैया हमारे काफी लो मार्क्स आए, हम कौन से कॉलेज में अप्लाई करें, किस में हमारा एडमिशन होगा, किस में हमारा एडमिशन नहीं होगा, तो इंडिया की सबसे कम प्राइजेस पे चिपेस्ट काउंसलिंग प्लान हम लेके आए हैं, सबसे बेस्ट काउंसलिंग प्लान एट द लो प्राइजेस, तो आप जो उसमें जरूर से एनरोल कर सकते हो। सीयूटी बेस्ट काउंसलिंग प्लेटफॉर्म है, दिस इज पावर्ड बाय इंजीनियरिंग वाला, तो आप लोग जो है जरूर से जाके एनरोल कर सकते हो उसमें। डिस्क्रिप्शन के अंदर गूगल फॉर्म दिया गया है, आपको फुल टिल कंप्लीट द एडमिशन तक आपको फोन सपोर्ट, लाइव सपोर्ट, काउंसलिंग सपोर्ट ओनली फॉर 1999 रुपये में मिल रहा है, तो गाइस जल्दी से जाके जरूर से एनरोल कर सकते हो, इससे बढ़िया आपको मौका कहीं देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ओके, सो मैं ये जस्ट लाइक डमी फॉर्म भर रहा हूँ, ठीक है। तो देखता हूँ आगे क्या होता है। आगे देखो डॉक्यूमेंट मांगने लग गया है, भैया डॉक्यूमेंट लगाओ अपने, ठीक है। तो मैं अब डॉक्यूमेंट डालता हूँ उसमें, यार काफी सारे डॉक्यूमेंट मांग रहा है, आधार कार्ड, 10th, 12th, करेक्टर, कास्ट, सीयूटी यूजी, उसके बाद ये गेट सर्टिफिकेट। देख सकते हो यहाँ पे लिखा गया है कि 50 रुपये वाला होना चाहिए कम से कम। उसके बाद आप जस्ट लाइक अंडरटेकिंग भी डाल सकते हो, ठीक है। तो गाइस मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट डाल दिए हैं, अब मैं क्या करता हूँ, मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ। तो इमेज और फोटो सिग्नेचर डालना कंपलसरी है, फाइनली मैंने डाल दिया इमेज फोटो, अपलोड आधार कार्ड। गाइस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है प्रोग्राम सिलेक्शन, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हम प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स को सिलेक्ट किया, यहाँ पे इसको मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस दी है। अब आपको यहाँ पे इस पे ऐड पर जैसे आपने क्लिक किया तो ये फर्स्ट प्रेफरेंस हो गई।
सेकंड प्रेफरेंस आपको क्या करना है, जैसे आप यहाँ पर गए, जैसे मैंने को फिजिक्स यहाँ पे ये देना है, यानी इस पर क्लिक करोगे दूसरी प्रेफरेंस ये हो गई। हालांकि आप जो यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो इसकी प्रेफरेंस। थर्ड प्रेफरेंस जो मैं बायोटेक्नोलॉजी को देता हूँ, जो यहाँ पे एड पे क्लिक करूंगा। इसके साथ ही जस्ट माइक्रोबायोलॉजी एड पे क्लिक करूंगा। इसके बाद में जस्ट ये देख सकते हो कंप्यूटर साइंस एड पे क्लिक करूंगा। उसके बाद जो है मैं इकोनॉमिक्स एड पे क्लिक करूंगा। उसके बाद देख सकते हो मैं जस्ट लाइक एनवायरमेंटल साइंस एड पे क्लिक करूंगा। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री एड पे क्लिक करूंगा। उसके बाद ये जस्ट लाइक उसके बाद मैंने स्टेटिक्स ओके, उसके बाद मैंने केमिस्ट्री एड ओके। सो मैंने इतने सारे ऐड कर दिए। सेवन नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। यस, आप अपनी प्रेफरेंस चेक कर सकते हो, देख सकते हो मेरा फॉर्म फुल सबमिट हो चुका है। अब ये मेरे को बोलेगा कि भैया पेमेंट करो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऊपर जाना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। हालांकि पैसे काफी ज्यादा ले रहा है ये, ठीक है। यू कंप्लीटेड द एंट्री ऑफ नेसेसरी डिटेल्स फॉर द ऑनलाइन फॉर्म। You are left with the following, the terms and conditions. The cost of application is INR 10,000 rupees. Okay. So guys, ये मेरे से 10,000 रुपए ले रहा है. Oh my god. तो जैसे मैं UPI डालूंगा. जो भी है, फॉर एग्जाम्पल फॉर सिक्योरिटी पर्पज है। त्रिपन रुपए ये भी टैक्स ले रहा है साला। यार काफी सारे बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है कि भैया 10,000 किस बेसिस पे ले रहे हैं ये लोग, हमें तो 1,000 का ही कहा था। क्या आपका भी क्वेश्चन है? देखो स्टूडेंट, यार ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट है कि आपको जो अपना प्रोजेक्ट प्रोग्राम जो है वो प्रेफरेंस को ठीक से सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि मैं दो जैसे ये हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे मान लो फॉर एग्जांपल के लिए मैं सिर्फ यहाँ पे 60 प्रेफरेंस दिए, उसके बाद मैंने जस्ट लाइक नेक्स्ट पे क्लिक किया, उसके बाद मैंने फिर से नेक्स्ट पे क्लिक किया, तो उसके बाद देख सकते हो मेरी जो कॉस्ट है वो टोटली 6,000 आ रही है, ठीक है, क्योंकि मैंने सिर्फ 6 प्रोग्राम सेलेक्ट किए हैं। यार ये एक बहुत ही बड़ा स्कीम है, हमको जो है हर कोर्स के लिए देख सकते हो पैसे देने पड़ रहे हैं 1,000। तो ये एक बहुत ही मतलब गलत डिसीजन है। हालांकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ने जब नोटिस रिलीज किया था तो इन लोगों का कहना था कि भैया हम जो है आपसे ओनली फॉर 1,000 रुपये चार्ज कर रहे हैं, लेकिन ये हर कोर्स के लिए चार्ज करे। यार अब बच्चा यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेगा तो एक कोर्स के लिए अप्लाई थोड़ी करेगा, मतलब लूटने पे लगे हुए हैं सारे के सारे, और बहुत ही बुरी तरह से लूट रहे हैं, बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से लूट रहे हैं। अब जो भी बच्चे हैं जिनको यार पता नहीं कि भैया हमारा एडमिशन किस बेसिस पे होगा, कौन से प्रोग्राम के अंदर होगा, तो वो हमारा CUT गाइडेंस प्रोग्राम में एनरोल हो सकते हैं, जिसके अंदर हमारी टीम फुल ट्राई करती है कि टू गेटिंग द एडमिशन जस्ट लाइक इन CUT स्पेशली। तो पहले हम नोटिस देखते हैं वो जब वो इन लोगों ने जो रिलीज किया था। तो यार ये जो प्रोग्राम देख सकते हो ये एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग है जो कि इन्होंने नोटिस रिलीज किया था। अब अपन वो नोटिस देख सकते हैं जहाँ पे इन लोगों ने लिखा था कि आपकी जो प्रोग्राम फीस है वो 1,000 रुपये है। हालांकि ऐसा एक नोटिस मेरे को देखने को मिला था, तो वो क्या नोटिस था वो मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ, और इन लोगों ने अब हमारे साथ क्या ये घटना घटित कर रहे हैं ये भी हम देखते हैं साथ। गाइस 18 पेज का नोटिस रिलीज किया गया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की तरफ से, ठीक है, कि आपको यहाँ पे विजिट करना है, ऐसे ऐसे कुछ करना है, ऐसे ऐसे यहाँ पे रजिस्टर करना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो एप्लीकेशन यूजर आईडी पासवर्ड दिया गया है लोगों के द्वारा, इसके साथ यहाँ पे स्ट्रीम वगैरह की कुछ डिटेल दी गई है, ठीक है। साथ में ये लोग पेमेंट के बारे में इनका क्या करना है भैया, जैसे इसने ये यहाँ पे कुछ कोर्स सेलेक्ट किया,
यहाँ पे लोगों ने